हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण ट्राइबल पर्सनालिटीज के बारे में, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये दोनों जो पर्सनालिटी थी, मध्य प्रदेश के अंदर आजादी का जो आंदोलन था उसमें 1857 के रिवोल्ट में, 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति में इन दोनों लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उनका क्या योगदान है भारत की आजादी के आंदोलन में और बाकी कई सारी चीजें इनके बारे में हम देखेंगे। उसके पहले, एज यू नो, मैं आपको अनअकैडमी पर प्लस में पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे कई सारे मेरे कोर्सेज एमपीपीएससी 2020 के लिए चल रहे हैं, जिसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स कंप्लीट कोर्स ऑन एमपीपीएससी 2020, जहां पर पूरा सिलेबस एमपीपीएससी का मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा फॉर द प्रीलिम्स। उसके बाद उसी के साथ में संबंधित एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मोर देन 2000 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको इस पूरी सीरीज के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। सो इसके लिए आप मेरा जो कोड है पवन लाइव, आप मेरा कोड पवन लाइव यूज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज। लेकिन ये 10% जो डिस्काउंट है वो आपको सिर्फ 28th ऑफ फेब तक मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ये जो 10% डिस्काउंट है कम होकर 5% हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टोटल 10% डिस्काउंट ले, तो अभी कोड का यूज करें और 10% जो डिस्काउंट है वो अपने साथ में यहाँ पर आपको अवेल करें। तो हम बात कर रहे थे शंकर शाह और रघुनाथ शाह की, तो इनका थोड़ा सा इतिहास में आपको मैं जाता हूँ, इनकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। कल हमने रानी दुर्गावती के बारे में बात की थी, दुर्गावती के जो ससुर थे आपके संग्राम शाह थे, और ये बिलोंग करते थे मध्य प्रदेश की जो गोंड डायनेस्टी है। मध्य प्रदेश में 5 गोंड डायनेस्टी हुई, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट गोंड डायनेस्टी थी। एक गोंड डायनेस्टी आपकी मंडला की गोंड डायनेस्टी थी और दूसरी देवगढ़ की थी। देवगढ़ के बारे में कभी और बात करेंगे। तो जो गोंड डायनेस्टी थी, इसके अंदर जो राजा संग्राम शाह और उनके जो उनकी जो बहू थी रानी दुर्गावती, उन्हीं के परिवार में, उन्हीं के फैमिली में 18 सेंचुरी के आसपास राजा जो निजाम शाह है, निजाम शाह हुए, जिन्होंने आपके भोपाल और उसके आसपास के एरिया के ऊपर गिन्नौरगढ़ नाम का एक जगह था, उस गिन्नौरगढ़ नाम के किले के ऊपर उन्होंने वहां पर आपको रूल किया। और ये गिन्नौरगढ़ का जो किला था, फिर बाद में आपको पता है कि भोपाल के जो नवाब थे आपके दोस्त मोहम्मद खान, उन्होंने इस किले को कैप्चर कर लिया था। तो उन्हीं की डायनेस्टी में, या हम बोल सकते हैं कि जो गोंड डायनेस्टी है उनका सबसे अंतिम जो राजा थे शंकर शाह और उनका बेटा रघुनाथ शाह, ये दोनों पर्सनालिटी उस समय हुई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी डायनेस्टीज जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई, और अंग्रेजों ने इन लोगों को फिर बाद में इनके साथ में एक सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि साइन की, जिसके अंतर्गत इनको जबलपुर के पास में जो पुरवा फोर्ट है वो पुरवा फोर्ट वाला एरिया इनको रहने के लिए दे दिया, क्योंकि ज्यादा संपत्ति वगैरह इनके पास बची नहीं थी। तो छोटा सा एक खंडहर नुमा जो फोर्ट था, एक किला था, उस किले के अंदर ये लोग जबलपुर के अंदर यहाँ पर आपको रहते थे। और जो राजा शंकर शाह थे ये आपके जो निजाम शाह थे आपके, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, उनके ग्रेट ग्रैंडसन या उनके पड़पोते थे। ठीक है, तो 1857 का जब ये बैटल हुआ, उस समय पे उनको लगा कि उनका जो खोया हुआ साम्राज्य है, उनका जो अंपायर है, इस अंपायर को ये वापस पा सकते हैं। तो उसी समय पे उन्होंने जबलपुर के अंदर स्थित 52nd जो रेजिमेंट था आपका अंग्रेजों का, तो 52वीं करके एक रेजिमेंट थी अंग्रेजों की, एक सेना यहाँ पर आपको स्थित थी, उस सेना के साथ में उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट करी। उनके कई सारे सैनिक थे जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है उनको काफी पसंद करते थे, उनके समर्थन में थे, क्योंकि कई सारे जो गोंड सैनिक थे वो अंग्रेजों की सेना के अंदर भी हुआ करते थे। तो उसी दौरान उन्होंने अंग्रेजों की जो सेना है उसके अंदर बगावत करवाने की कोशिश करी, और कई सारे जो गोंड सैनिक थे, कई सारे गोंड अधिकारी जो थे अंग्रेजों की सेना में, वो शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है उनके लगातार इनके कॉन्टेक्ट में यहाँ पर है। ठीक है, और उसी के साथ में इनका एक एक बहुत ही खास सेनापति हुआ करता था, वो व्यक्ति इनकी इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंचाता था, लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए या संचार करने के लिए वो डायरेक्ट लैंग्वेज का उपयोग नहीं करते थे। शंकर शाह जो थे वो बहुत अच्छे लेखक थे, साथ ही रघुनाथ शाह भी बहुत अच्छे लेखक थे, तो उन्होंने कई सारी राइटिंग्स वगैरह या कई सारे दोहे वगैरह उन्होंने रचना शुरू किए, और दोहों के रूप में जो जानकारी है वो महल से बाहर सैनिकों तक पहुंचाते थे, और वहीं से पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो वापस दोहों के रूप में यहाँ पर आपको लेके आते थे। अब उस समय एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था जबलपुर में, उसका नाम था लीग क्लार्क। इसको उसके बारे में कुछ समझ में आया नहीं कि ये क्या दोहे चल रहे हैं इसके अंदर, तो उन्होंने इनका जो सेनापति था उसको अपने साथ में मिलाया, उसको कुछ पैसा वगैरह देके उसको बगावत करने पे मजबूर किया, और उसने उन दोहों का जो ट्रांसलेशन था वो लीग क्लार्क को बताना शुरू किया। और उसी समय लीग क्लार्क को पता चला कि मेरे खिलाफ इस प्रकार की कोई गतिविधि है, इस प्रकार की कोई जो साजिश है वो हमारे खिलाफ यहाँ पे चल रही है, और धीरे धीरे उनको कैप्चर करना या धीरे धीरे उनको कंट्रोल करना यहाँ पर आपको शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके से अंग्रेज जो है वो किसी दूसरे ट्रेटर के माध्यम से या कोई बगावती व्यक्ति है उसके माध्यम से शंकर शाह और रघुनाथ शाह है उनकी पूरी जानकारी के बारे में समझ गए, उनके विद्रोह
का पूरा जो प्लानिंग है वो ली क्लार्क के पास चला गया, और उसी के बाद शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो है इनको, इनका जो किला था पूर्वा फोर्ट जो था आपका जबलपुर में, वहां पर हमला किया गया अंग्रेज सेना के द्वारा, और इन दोनों को, बाप और बेटे दोनों को वहां से अरेस्ट किया गया, और इनको अरेस्ट करके इनके खिलाफ एक जो केस है वो केस चलाया गया। और केस क्या था, एक तरीके से बस एक खाना पूर्ति इसके अंदर थी, और उसके द्वारा इन दोनों को जो फांसी की सजा है, फांसी की सजा इन दोनों को यहाँ पे दी गई। और उसके बाद 18 सितंबर 1858, 18 सितंबर 1858 में शंकर शाह और रघुनाथ शाह है इन दोनों को तोप से बांधा गया, और तोप से बांध के इन दोनों को यहाँ पर आपको इनको ब्लास्ट कर दिया गया, या इन दोनों को वहां पर आपको मार दिया गया। जो फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जहां तक मुझे जानकारी है ये ओरिजिनल फोटो है जहां पर इन दोनों को तोप से बांध के यहाँ पर आपको उड़ाया गया था। तो 18 सितंबर 1858 जब इन दोनों को शहीद किया गया, उस दिन जबलपुर के अंदर बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। अभी अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने ये कहा है इनके सता जो अभी इनका जो एनिवर्सरी आई थी उस समय पे, कि इनका जो दिवस है इनको पूरे मध्य प्रदेश में अगले साल से बलिदान दिवस के रूप में यहाँ पर आपको मनाया जाएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इनका जब बलिदान हुआ, इनको जब अंग्रेजों ने तोप से बांध के जब उड़ाया, और उसी समय पे आपके जो मंडला है, मंडला के अंदर रानी अवंतीबाई लोधी थी, तो अवंतीबाई जो लोधी हैं इन्होंने भी यहाँ पर आपको विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर शंकर शाह रघुनाथ शाह जैसे बड़े गौंड राजाओं को अंग्रेज नहीं छोड़ रहे हैं तो उनकी तो जो पूरी संपत्ति है, उनका पूरा जो राज्य है अंग्रेज छीन लेंगे, और इसीलिए उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत है वो बगावत यहाँ पर आपको शुरू कर दी। तो ये बात हुई शंकर शाह और रघुनाथ शाह की। इनको जो अंतिम, इनका जब इनको जो मारा गया, तो जबलपुर के पास में, जबलपुर के अंदर ही वहां पर एक जो अभी रेलवे स्टेशन है जबलपुर का, तो उसके पास में इन दोनों को वहां पर इनकी हत्या की गई थी, तोप से उड़ाया गया था। और वहां पर अभी जबलपुर हाई कोर्ट है, उसके पास में रघुनाथ शाह और शंकर शाह जो है उनको जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था, या उनको जहाँ पर उनको तोप से उड़ाया गया था, तो वहां पर दो उनकी खूबसूरत जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां भी यहाँ पर आपको लगी हुई है। तो ये गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो गोंड डायनेस्टी के अंतिम राजा हुए उनके बारे में स्टोरी है, उनके जो बेसिक फैक्ट एंड फिगर्स हैं एग्जाम में आपको आ सकते हैं, जैसे इनकी मृत्यु कब हुई, या कहाँ के राजा थे, इनको उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था, इस प्रकार के कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आपके लिए आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप अपने इनके फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।